हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह ई न्यूज़ आई कि NICL का जो एग्ज़ाम था उसमें तो ऑल इंडिया पे 300 वैकेंसी थी। उस एग्ज़ाम को मैंने दी थी, हालांकि मैंने इसे सीरियसली नहीं दी थी क्योंकि इसमें सिर्फ 300 वैकेंसी थे और उसके 4 दिन बाद मेरी MTS का एग्ज़ाम था जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी थे, 10,000 के अराउंड थे, वो भी एक्सपेक्टेड थे। तो मुझे लगा, और मुझे इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी पढ़ना पड़ता एक्स्ट्रा करके क्योंकि मैं बैंकिंग के प्रिपरेशन करती हूँ, इसलिए तो मैंने बस एग्ज़ाम देने गई थी क्योंकि फॉर्म फिलअप की थी और ये एग्ज़ाम एकदम थी। तो मैंने इस पर जो भी अटेम्प्ट किया मुझे उससे एक कम मार्क्स आए। मैंने 60 अटेम्प्ट किए हुए थे और मुझे 59 मार्क्स आए। देख लेते हैं, जैसे कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस थी कुछ दिनों के लिए क्योंकि MTS के लिए ज़्यादा GK पढ़ना पड़ रहा था, तो मेरी मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा कम अटेम्प्ट हो गया और इसकी वजह से मेरी ये वाला प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। हालांकि सारे प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं पर ठीक है, मुझे लगा था हो जाएगा। पर मैंने इंग्लिश के भरोसे पे इंग्लिश देने एग्ज़ाम देने गई थी और हाँ, मैंने 23 अटेम्प्ट की हुई थी और मुझे पता नॉर्मलाइजेशन शायद इसकी वजह से मुझे 22.25 मार्क्स मिले हैं और मैंने 23 ही अटेम्प्ट किए हुए थे। और रीजनिंग में मैंने 20 के अराउंड आसपास अटेम्प्ट किए थे, 19.75 आए हैं। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बहुत हार्ड था, हालांकि रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं थी, मेरी प्रैक्टिस की वजह से और मैंने एक पजल में फंस गई थी इसकी वजह से मेरी 19.75 मार्क्स आए। अदरवाइज रीजनिंग सेक्शंस इजी था, लेकिन क्वांटिटिव जो एप्टीट्यूड था वो मुझे बहुत हार्ड लगे। DI बिल्कुल भी मतलब इजी लेवल का नहीं था, PO लेवल का मान के चल सकते हो, लेकिन मुझे 59 आए हैं। अगर मुझे पता होता कट ऑफ इतना कम जाएगा तो मैं शायद इस एग्ज़ाम को भी सीरियसली दे देती, लेकिन मुझे लगा 300 वैकेंसी है सारे कैटेगरी मिला के तो शायद कट ऑफ 90 जाने वाला है, तो छोड़ो यार इसको मैंने थोड़ा सा सीरियसली नहीं लिया था, मेरी मिस्टेक है। लेकिन ठीक है, जो हो गया सो हो गया। होप फॉर बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना भी स्कोर कार्ड बताना कैसा हुआ आपका ये एग्ज़ाम।